हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपका माल्टा का प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर यानी वर्क परमिट अप्रूव हो जाता है, उसके बाद क्या क्या तरीका है, क्या क्या स्टेप है और क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है आपको अपने पासपोर्ट पे वीज़ा स्टम्पिंग कराने का। सो फ्रेंड्स, पूरे डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पहला स्टेप है कि आप माल्टा के लिए जॉब अप्लाई करोगे। जब आपको कोई एम्प्लॉयर मिल जाएगा वो आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करेगा, जिसके लिए 280 यूरो लगता है, चाहे वो आपका एम्प्लॉयर दे चाहे वो आपसे ले। तो जब वो आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई कर देगा तो मात्र 2 महीने के अंदर ही अप्रूव हो जाता है। बाकी किसी का टाइम भी लग जाता है, किसी का जल्दी भी अप्रूव हो जाता है। तो जब प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर जो मैं डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ ये अप्रूव हो जाता है, उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ता है आपके पासपोर्ट पे वीज़ा स्टंप कराने का, ताकि आप माल्टा ट्रेवल कर सको। सो फ्रेंड्स, इसके बाद आपके पास 2 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपका एम्प्लॉयर आपके पास बाई कुरियर माल्टा से भेजेगा ओरिजिनल, और दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपको खुद से इंडिया में रेडी करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, जब आपका प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर अप्रूव हो जाता है तो इसके बाद का जो स्टेप है, सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट है कि आपको माल्टा का VFS का अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है अगर आप इंडिया से ट्राई कर रहे हैं। तो अपॉइंटमेंट बुक करने का 3 तरीका है। एक तरीका है कि आप अपने एम्प्लॉयर को बोलो तो एम्प्लॉयर ईमेल करके ID माल्टा से आपके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर देगा। उसको डेट मिल जाएगा कि इस डेट पे आप जाके फाइल सबमिट कर सकते हैं अपने कंट्री के VFS में। दूसरा तरीका है कि आप खुद से ऑनलाइन पे भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कि किसी एजेंट का सहायता ले सकते हैं, तो एजेंट कुछ चार्ज करता है अपॉइंटमेंट के लिए। सो फ्रेंड, जब आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाए उसके बाद आपको 2 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो टाइम वेस्ट नहीं करके डायरेक्ट पॉइंट पर आके बात करते हैं। आपका जो एम्प्लॉयर है आपके लिए ओरिजिनल कुछ डॉक्यूमेंट रेडी करके भेजेगा, जिसमें पहला है प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर, दूसरा है जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर। याद रहे, आपका जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर है वो 4-5 पेज में होगा, और उस पर नोटरी कराना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना नोटरी के VFS में बहुत ड्रामा करते हैं, वो लोग सबमिट नहीं करते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान में रख के चलें। उसके बाद तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन, यानी कि अगर आपका कंपनी, आपका एम्प्लॉयर आपको रहने का दे रहा है माल्टा में, तो वो आपके लिए एक प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन पेपर रेडी करके देगा, जो कि प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन भी नोटरी होना चाहिए, जो कि माल्टा गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टंप लगता है। उसके बाद यहाँ पर एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, अगर आपका कंपनी आपको प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन यानी रहने का नहीं दे रहा है, तो आपको या तो होटल बुकिंग कराना पड़ता है, या फिर एक लीज एग्रीमेंट, या फिर हाउस का कॉन्ट्रैक्ट लेटर बनवाना पड़ता है। अगर आपका कोई दोस्त यहाँ पे, कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव है, तो वो आसानी से यहाँ पे आपके लिए लीज एग्रीमेंट या फिर हाउस का कॉन्ट्रैक्ट बना के आपके पास भेज देगा, या फिर आपको किसी से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा लीज एग्रीमेंट या फिर हाउस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो जो भी आपका लीज एग्रीमेंट, हाउस कॉन्ट्रैक्ट, होटल बुकिंग हो, या फिर प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन हो, उस पर भी नोटरी होना ज़रूरी होता है। उसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है इनविटेशन लेटर। जो आपका कंपनी, आपका एम्प्लॉयर होगा, वो आपके लिए एक इनविटेशन लेटर बना के देगा। और याद रहे, ये सभी डॉक्यूमेंट जो मैं बता रहा हूँ, जो कंपनी की तरफ से होगा, वो कंपनी के लेटर पैड पे होना चाहिए, तो ये बेस्ट है। वैसे बहुत सारे एम्प्लॉयर सादे पेज पे भी भेजते हैं, लेकिन उससे भी काम हो जाता है, पर अगर कंपनी के लेटर पैड पे हो, आप उनसे, अपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करें कि कंपनी के लेटर पैड पे दें, उससे क्या होता है कि वीज़ा लगने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। सो फ्रेंड्स, इन सभी डॉक्यूमेंट के बाद एक लास्ट डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, एम्प्लॉयर का ID कार्ड। बहुत से एम्प्लॉयर ID कार्ड नहीं देते हैं, लेकिन आप रिक्वेस्ट करें, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है ID कार्ड तो ये अच्छा है, और ID कार्ड पे भी नोटरी हो तो ये बहुत ही अच्छा होता है। हालांकि ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे पास जो भी डॉक्यूमेंट आया था और मैंने क्या क्या किया था, ये सभी एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। तो इन सभी डॉक्यूमेंट को रेडी करके आपका जो एम्प्लॉयर है, अगर आपका एम्प्लॉयर माल्टा से ही अपॉइंटमेंट बुक किया है, तो अपॉइंटमेंट और इन सभी डॉक्यूमेंट, जो मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर, जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर, प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन, इन्विटेशन लेटर, और आपके एम्प्लॉयर का ID कार्ड अगर दे रहा है तो, अगर नहीं दे रहा है तो भी, इन सभी डॉक्यूमेंट को बाई कुरियर आपके पास, आपके कंट्री भेजेगा आपका कंपनी, आपका एम्प्लॉयर। तो जब ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास पहुंच जाता है, आपको डेट मिल जाता है अपॉइंटमेंट का,
उसके बाद आपको आपके कंट्री में कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है जो आपको खुद से रेडी करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपको अपने कंट्री में कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट रेडी करना पड़ता है जिस वजह से वीजा लगने का चांस ज्यादा हो जाए, तो कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी, यानी जिसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं, वो बनाना पड़ता है ताकि वीजा स्टंपिंग होने का चांस ज्यादा हो जाए। वैसे आप माल्टा का चेकलिस्ट देखोगे तो उसमें बहुत ही कम डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होती है, लेकिन मैं जो डॉक्यूमेंट आप लोग को बता रहा हूँ, अगर आप इन सभी डॉक्यूमेंट को लगाते हो तो वीजा स्टंप होने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। सो फ्रेंड्स, मैंने लिस्ट बना रखा है क्योंकि बहुत सारा डॉक्यूमेंट है तो मैं कोई मिस ना कर दूं, इसलिए मैं वन बाय वन पढ़ता हूं इसको। लिस्ट में सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है माल्टा का वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। आप गूगल पे सर्च करोगे तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो फॉर्म को। फॉर्म फिलअप करने का दो तरीका है, एक तो आप पेन से फिलअप कर सकते हो या फिर आप कंप्यूटर से भी फिलअप कर सकते हो। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट है कवर लेटर। एक कवर लेटर बनाना पड़ता है जिसमें थोड़ा लिखना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि मुझे माल्टा का जो मेरा वर्क परमिट आया हुआ है इससे मुझे वीज़ा दिया जाए ताकि मैं माल्टा ट्रेवल कर सकूं। उसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है डम्मी टिकट। यहाँ पे थोड़ा आप लोग ध्यान देना, जब आपका अपॉइंटमेंट जिस डेट का हो उस हिसाब से एक महीना बाद का आप ट्रेवल करने का प्लान बनाओ और डम्मी टिकट बनाओ, यानी कन्फर्म टिकट, यानी पैसा कटा के नहीं बनाओ, सिर्फ डम्मी टिकट जिसका 1,500 रुपये लगता है। तो एक महीने बाद का डेट रखो ट्रैवल करने का, जो कि आप इंडिया से माल्टा जा रहे हो। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट है ट्रैवल इंश्योरेंस। आप जिस डेट पे फ्लाइट करने का डमी टिकट बना रहे हो उस डेट से एक दिन पहले या फिर उसी डेट से आगे का 6 महीने का या फिर 1 साल का ट्रैवल इंश्योरेंस बना लो, जो कि मैंने 1 साल का लगाया था। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट है PCC, यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पे अपोस्टल कराना पड़ता है तो कुछ पैसे लगता है दिल्ली में, तो ये इजी है। इन सभी डॉक्यूमेंट का नाम सुन के आप प्लीज़ घबराना नहीं, मैं भी घबरा गया था कि इतने सारे डॉक्यूमेंट कहाँ से रेडी करूँगा, लेकिन मैंने सब कुछ रेडी कर लिया खुद से और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सो फ्रेंड्स, PCC बनाने के बाद, और याद रहे कि आपके ऊपर कोई केस नहीं हो वरना आपका PCC कैंसिल हो जाएगा और आपका वीज़ा स्टंपिंग नहीं होगा, क्योंकि अगर आप PCC भी नहीं लगाओगे तो आपके पासपोर्ट से एम्बेसी में वो लोग चेक कर लेंगे कि आपके ऊपर अगर केस है तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। उसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है एक नॉर्मल मेडिकल टेस्ट मैंने कराया था जिसका मुझे 1,500-2,000 रुपये दिया था मैंने। तो एक नॉर्मल मेडिकल टेस्ट करा लो, वैसे माल्टा में कोई हार्ड मेडिकल नहीं होता है, नॉर्मल ही होता है जिसमें सिर्फ चेस्ट का एक्सरे होता है, तो नॉर्मल मेडिकल ले लो। उसके बाद आपके पास वर्क एक्सपीरियंस लेटर है जितने भी साल का है उसका प्रूफ हो, यानी कि जिस कंपनी में आपने काम किया है उसका एक्सपीरियंस लेटर हो, उसका आईडी कार्ड हो, उसका सैलरी स्लिप हो। अगर आप ये लगा देते हो ना, पक्का है कि वीज़ा लगेगा, क्योंकि मैंने ये सब लगाया था। तो मैंने एक्सपीरियंस लेटर लगाया था और उसी कंपनी का सैलरी स्लिप लगाया था और उसी कंपनी का आईडी कार्ड था मेरे पास, तो मैंने ये सभी डॉक्यूमेंट लगाया था। उसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है कंपनी का सैलरी स्लिप, अगर आपके पास है तो वो लगा दें। और नेक्स्ट जो है वो है वैक्सीन का सर्टिफिकेट। आपके पास 3 वैक्सीन का सर्टिफिकेट है तो आप ज़रूर लगाइए, और यहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़ेगा 3 वैक्सीन का सर्टिफिकेट, वरना आपको ये लोग यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाएंगे और बहुत सारा पैसा आपसे ले लेंगे। उसके बाद यूरो पास CV, जो आपने CV बनाया था जॉब अप्लाई करने के लिए, वो CV का फोटोकॉपी आप एक रख ले साथ में। उसके बाद आपका आधार कार्ड का फोटोकॉपी, और याद रहे ये जो भी डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ सबको कलर कॉपी रखें, कोई भी ब्लैक एंड वाइट ना रखें, सबको कलर कॉपी में मैंने भी लगाया था। और ऐसा नहीं है कि मैंने लगाया था इसीलिए आप भी लगाओ, कलर कॉपी में क्या होता है कि सामने वाले को शक नहीं होता है कि कुछ भी डुप्लीकेट है, ठीक है। उसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है एजुकेशन सर्टिफिकेट, यानी आपने जहाँ तक पढ़ाई किया है, 10th किया है, इंटर किया है, आगे जो भी BA किया है, MA किया है, वो आप लगा दें। उसके बाद आप अपने पासपोर्ट का फोटोकॉपी कलर में लगा दें। इन सभी डॉक्यूमेंट को रेडी करें और एक फ़ाइल बनाएं, और जिस डेट पे आपका अपॉइंटमेंट है फाइल सबमिशन का वहाँ पे आप पहुँचें और इन सभी फ़ाइल को सबमिट करें। जब आप BFS में पहुँचोगे तो वहाँ पे फाइल सबमिट के लिए 2 तरीका होता है, एक होता है प्रीमियम और एक होता है नॉर्मल। तो प्रीमियम लोगे तो थोड़ा 4,000-5,000 रुपये ज़्यादा लगता है, तो मुझे लगता है कि 15,000 रुपये मैंने दिया था प्रीमियम सर्विस का, नॉर्मल में आपका 12-13 लगेगा। तो प्रीमियम सर्विस में क्या होता है कि आपको सिर्फ एक जगह पर बैठ जाना होता है, बाकी वो लोग खुद से आपका डॉक्यूमेंट लेके सब कुछ रेडी करेंगे, और अगर कुछ प्रॉब्लम है आपके डॉक्यूमेंट में तो आपको बताएंगे, दोबारा से फिलअप करा देंगे या फिर कुछ गलत है तो वो सही करेंगे। तो जब
आपका ओके हो जाएगा यहाँ पे ये स्टेप, तो वो लोग आपको एक लिस्ट देंगे जिसमें आपका ट्रैकिंग नंबर होगा, उसे आप ट्रैक करेंगे कि आपका जो स्टेटस क्या है। किसी को बोलते हैं फाइल प्रिपरेशन। अगर आप खुद से इतना डॉक्यूमेंट रेडी नहीं कर सकते हो तो किसी एजेंट का सहायता ले सकते हो, या फिर किसी ऑफिस में जो फाइल प्रिपरेशन करते हो तो इसका चार्ज वो लोग 15-20 हज़ार रुपये करता है। तो वो लोग आपके लिए ये सभी पेपर रेडी करेगा आपके डेट पे, और आपको सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको गाइड करेगा कि कैसे आपको VFS में जाना है। उसके बाद बहुत से लोगों का सवाल भी था कि क्या फाइल सबमिट करने के बाद इंटरव्यू भी आता है, तो आपके नंबर पे हो सकता है कि कॉल आए इंटरव्यू के लिए, और हो सकता है कि ना भी आए। अगर आपका डॉक्यूमेंट सब गुड है यानी कि स्ट्रॉन्ग है तो इंटरव्यू आने का चांस नहीं होता है। जिन लोगों के डॉक्यूमेंट पर शक होता है VFS एम्बेसी वाले को, तो वो लोग कॉल करके थोड़ा सा पूछते हैं, और अगर आप जवाब नहीं दे पाएँ या फिर कुछ गलत है तो शायद वहाँ पे आपका वीज़ा रिफ्यूज होने का चांस होता है। सो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल फिक्स नहीं होता है कि सबको इंटरव्यू कॉल आता है, कुछ लोगों को आता है कुछ को नहीं आता है। मुझे कॉल नहीं आया था और मात्र 25 डे के अंदर में मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया था। तो इस तरह से टोटल प्रोसेस है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि सबका रिप्लाई दूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए।